आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर एंड ए थिन कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू टू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ द प्लेन सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो हमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक ये वाटर का पॉन्ड है, इसमें एक कोई पॉइंट सोर्स लाइट का सोर्स जो है एस, वो इसमें लाई कर रहा है। ओके, और इसके जस्ट ऊपर एक पतला सा थीन लेंस जो है हम इसको इसके ऊपर रख दिया, कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस। ओके, फर्स्ट केस में ये है जिसका लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू टू है। ओके, द इमेज ऑफ द सोर्स इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, और जो इस सोर्स का इमेज बना वो इस सरफेस ऑफ वाटर से डिस्टेंस एक्स पे बना। ओके, इफ द लेंस इज नाउ प्लेस्ड जस्ट इनसाइड द वाटर। अब अगला केस में क्या कर रहा है कि हमने इस लेंस को, ये जो लेंस था इसको जस्ट इनसाइड वाटर ऐसे डाल दिया। ओके, और सोर्स यहाँ पे है, तो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो डिस्टेंस x1 पे हो रहा है, ये x1 डिस्टेंस हो रहा है सरफेस ऑफ वाटर से, ये हमारा इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है। इस केस में यहाँ हो रहा था i1, यहाँ पे i2 हो रहा है। सो दैट 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स वन इज इक्वल टू म्यू वन माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू टू माइनस वन इंटू वन बाई एफ, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, फोकल लेंथ ऑफ लेंस दे रखा है बिना कुछ कहे तो, एयर में दे रखा है, और म्यू वन जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, तो वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन दे रखा है। तो देखो अब सबसे फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो है इस तरह सोर्स से रे जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, जो सरफेस ऑफ वाटर है, ओके, सरफेस ऑफ वाटर से ये रिफ्रैक्ट होगा, तो अपेरेंट डेप्थ जो होता है डी डैस वो डी वाई म्यू रिलेटिव ये होता है। ओके, और म्यू रिलेटिव क्या होता है कि लाइट कहाँ से कहाँ को जा रहा है, तो लाइट कहाँ से जा रहा है, वाटर से जा रहा है, तो वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन है, और कहाँ जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो म्यू वन बाई वन। तो जो अपेरेंट जो लेंस के लिए जो अपेरेंट डेप्थ होगा बाहर से देखने पे उसको जो दिखेगा, मतलब किसी आदमी को, वही लेंस को भी दिखेगा, क्योंकि लेंस भी वाटर के जस्ट एबव है, एयर में है, तो एयर से देखने पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा लेंस के लिए वो डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू वन के बराबर होगा। अब लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, वन बाई भी, भी में हमें दे रखा है भी इक्वल टू एक्स, तो एक्स लिख देते हैं, वन बाई एक्स माइनस वन बाई यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ये अपेरेंट डेप्थ हो जाएगा, माइनस डी अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ओके, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, कुछ नहीं दे रखा है तो एयर में मान लेंगे। ओके, अब फोकल लेंथ ऑफ जो हमारा लेंस है वो एयर में, वो इस लेंस मेकर फॉर्मूला से हम देख सकते हैं, म्यू रिलेटिव माइनस वन, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ओके, वन बाई एफ वाटर जो होगा, फोकल लेंथ इन वाटर, म्यू रिलेटिव माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब देखिए हमारा जो म्यू रिलेटिव होगा एयर के केस में क्या होगा, एयर के केस में ये होगा म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर, तो म्यू ऑफ लेंस दे रखा है म्यू टू, तो म्यू टू माइनस वन। ओके, और ये टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, के मान लेते हैं। ओके, तो म्यू टू माइनस वन इंटू के,
सेकेंड केस में जो होगा म्यू रिलेटिव क्या होगा, म्यू ऑफ लेंस म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर माइनस वन इंटू के। तो यहाँ से अगर हम फोकल लेंथ इन वाटर निकाले तो फोकल इसको अगर हम वन मानते हैं इक्वेशन, इसको टू मानते हैं तो वन बाई टू करेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास आ जाएगा वन बाई एफ ऑफ एयर, ऊपर चल जाएगा एफ ऑफ वाटर इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वन इंटू के डिवाइडेड बाय म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन इंटू के, के से के कैंसिल, तो जो एफ ऑफ वाटर आएगा, एफ ऑफ वाटर जो आएगा वो होगा म्यू टू माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू एफ। ये हमारा फोकल लेंथ इन वाटर आ गया। ओके तो ये फॉर्मूला हमने लगाया था फर्स्ट केस के लिए, तो इसको हम लोग यहाँ पर लाकर छोड़ते हैं कि जो म्यू वन बाई डी होगा इज इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई एक्स के बराबर होगा। ओके सेकेंड केस के लिए अब क्या होगा, लाइट पहले जाकर लेंस से टकराएगा। ओके तो इस केस में होगा हमारे पास वन बाई, और इस केस में हमको जो एक्स वन दे रखा है वो पहले लेंस से पहले रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा वाटर का, तब जाकर एक्स वन डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो इसका हमें इमेज, अभी जो इमेज डिस्टेंस है वो लेंस का पता नहीं है, तो भी मान लेते हैं माइनस यू जो होगा, ओके यू जो होगा वो माइनस डी यूज करेंगे। ओके क्योंकि ये दे रखा है कि जो हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे है इसके। ओके मान लेते हैं डी डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास जो आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ वाटर, फोकल लेंथ ऑफ वाटर अभी निकाला था हमने म्यू टू माइनस वन इंटू म्यू वन इंटू एफ ऊपर म्यू टू माइनस म्यू वन। ओके अब देखो जो इसका जो भी आएगा, ओके उसका भी में फिर हम वाटर सरफेस रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे डी डैश बराबर डी बाई म्यू रिलेटिव। तो हमारे पास जो एक्स वन का वैल्यू आ जाएगा, तो पहले भी निकाल लेते हैं, वन बाई भी इक्वल टू वन बाई डी और प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू टू माइनस वन इंटू म्यू वन इंटू एफ। ओके तो अब ये जो भी आया तो अपेरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, भी बाय म्यू रिलेटिव, जो सेकेंड केस में जो हमारा डी टू डैश है वो म्यू म्यू भी बाय म्यू रिलेटिव। तो भी का वैल्यू कितना है, भी का जो वैल्यू है हमारे पास वन अपॉन ये सारा टर्म, ओके म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू टू माइनस वन इंटू म्यू वन इंटू वन, ये सब नीचे आ जाएगा इस तरह से, सारा टर्म ये नीचे आ जाएगा म्यू टू माइनस वन इंटू म्यू वन इंटू एफ। ओके डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव क्या होगा, लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो लाइट वाटर से एयर जा रहा है, तो एयर जो वाटर का अति म्यू है म्यू वन हो गया, तो हमारे पास ये डी टू डैश आ गया। ओके डी टू डैश जो है ये एक्स टू एक्स वन के बराबर दे रखा है क्वेश्चन में। ओके अब हमारे पास जो है एक्स पता है एक्स वन पता है, तो क्वेश्चन में हमें वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स वन को ये प्रूव करना है,
तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स वन इज इक्वल टू 1 बाई एक्स जो होगा वो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था 1 बाई एफ माइनस 1 बाई म्यू 1 बाई डी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से भी चाहे तो अगर 1 बाई एक्स को इधर ले जाएंगे तो 1 बाई एफ माइनस म्यू 1 बाई डी ये आ गया। और जो 1 बाई एक्स वन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 1 बाई दिस है तो ये हो जाएगा म्यू 1 बाई डी प्लस म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू 2 माइनस 1 इंटू म्यू 1 इंटू एफ। म्यू 1 से म्यू 1 कैंसिल हो जाएगा ओके। और म्यू 1 डी से ये हमारा जो ये म्यू 1 डी है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारा है ये माइनस 1 बाई डी था ओके। तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आया, 1 बाई एफ माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू 2 माइनस 1 इंटू एफ। तो इसको 1 बाई एफ माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई म्यू 2 माइनस 1 ओके म्यू 2 माइनस 1 इंटू एफ। तो ये टर्म रिमेनिंग है तो हम क्या करेंगे, 1 बाई एफ को कॉमन ले लेंगे ओके। दोनों साइड 1 बाई एफ है तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2 माइनस 1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, म्यू 2 माइनस 1 माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो आएगा टर्म वो होगा म्यू 2 माइनस 1 ओके। सो म्यू 2 से म्यू 2 कैंसिल, ये जो वैल्यू आएगा हमारा वो हो जाएगा 1 बाई एफ म्यू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2 माइनस 1 ओके इंटू 1 बाई एफ। तो यही प्रूव करना था हमको क्वेश्चन में कि 1 बाई एक्स बाई 1 बाई एक्स 1 है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल था म्यू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2 माइनस 1 इंटू 1 बाई एफ। सो हमने इसको यहाँ प्रूव कर दिया, 1 बाई एफ म्यू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू 2 माइनस 1 ओके। तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स 1 प्रूव कर दिया हमने इसके इक्वल, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।